अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि नई रेसिपीज आपको फौरन मिल जाएं। आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिबास किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी से बोहरी चिकन कटलेट्स। तो इसके लिए मैंने ये लिया है 300 ग्राम चिकन का कीमा। तो सब चीज़ों को मैं बोल में ऐड करती जाऊँगी और उसकी क्वांटिटी भी आपको बताती जाऊँगी। तो ये मैं इसे बोल में ऐड कर ले रही हूँ। ये मैंने बोनलेस चिकन लिया था और उसे ग्राइंडर में चला लिया था। बहुत अच्छे से इसका कीमा बन गया है। और साथ ही में अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक आलू। एक मैंने छोटे साइज का आलू लिया है, उसे ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो ग्रेट कर लें या मैश कर लें। इससे क्या होगा, जो इसकी गुठली है ना वो निकल जाएगी। इसमें गुठली नहीं रहना चाहिए जब ग्रेट कर लेते हैं आलू को। तो और साथ ही में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये मैंने 2 ग्रेट स्लाइसेस ली और उसे मैंने थोड़े से दूध में डाल के रख दिया था, जिससे ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। देखिए बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हो चुकी है और इसमें दूध बिल्कुल भी नहीं है। इसे मैंने मैश कर लिया बहुत अच्छे से। अगर आपको लगता है कि इसमें दूध रह गया है तो हाथ से निचोड़ के इसे डाल दें। तो इसे भी इसमें ऐड कर देंगे। इसे दूध में डाल के सॉफ्ट इसलिए करते हैं ब्रेड को, जिससे कि ये जो कटलेट्स बने ना थोड़े सॉफ्ट से बने। और अब इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। तो ये मैंने एक छोटे साइज की प्याज ली है और इसे बारीक चॉप कर लिया है। इसे ऐड कर लेंगे और बारीक कटा हरा धनिया, या करीब 3 टेबल स्पून है। और ये लिए मैंने 3 बारीक कटी हरी मिर्चें। आप चाहें तो हरी मिर्च का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ये 3 हरी मिर्चें ली हैं। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको स्पाइसी पसंद है उस हिसाब से ले लें। और ये मैंने लिया है 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब ड्राई स्पाइसेस ऐड कर लेंगे इसमें। ड्राई स्पाइसेस में मैं सबसे पहले इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मैंने लिया है 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें जीरा ले रही हूँ। जीरे का पाउडर लिया मैंने। और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें इसमें और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। हाथ से मिक्स कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि अच्छे से मिक्स हो जाएगा हाथ से। तो ये देखिए सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 30 मिनट के लिए फ्रिज के अंदर रख दें। इससे क्या होगा, जितने भी इसमें मसाले ऐड किए वो अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएंगे और उनका अच्छा सा टेस्ट और खुशबू आ जाएगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप फ़ौरन ही बना लें। तो चलिए इसे मैं 30 मिनट के लिए रख देती हूँ फ्रिज में, उसके बाद हम कटलेट बनाएंगे। तो ये देखिए कीमे को रखे हुए हो गए हैं पूरे 30 मिनट। अब कटलेट्स बनाना शुरू करते हैं। तो हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे, जिससे कि ये हाथ में चिपके नहीं। और ये जो कटलेट्स हैं थोड़े बड़े बड़े बनते हैं और साथ ही में ये थोड़े पतले से बनते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे मोटे नहीं रहते। इस तरह से हम बना लेंगे। एक पोर्शन ले लिया मैंने इतना बड़ा और इस तरह से कर लेंगे। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। ये देखिए इस तरह से हाथ पे फैला लेंगे। और अब इसमें हम लगा देंगे ब्रेड क्रम्स। तो ये मैंने नॉर्मल जो ब्रेड स्लाइसेस होते हैं वो ले ली थी और उसे मैंने ग्राइंडर में चला लिया। अब इसमें हम ये कटलेट को रख देंगे और इसके ऊपर अच्छे से ब्रेड क्रम को लगा देंगे। इस तरह से दबा दबा के लगाएं थोड़ा, इस तरह से हाथ से प्रेस कर दें जिससे ये निकले नहीं। बहुत अच्छे से इस पर ब्रेड क्रम्स लग जाए। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये ब्रेड क्रम इस पर लग गए हों। और इसी तरह से जो है ना मैं सारे कटलेट्स बना लेती हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये मैंने कटलेट्स बना लिए हैं और मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि देखिए ये इसी तरह से पतले पतले से रहते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं हैं। ये इस तरह से पतले और एक से हैं, ये देखिए। तो इसी तरह से ये कटलेट्स बनाए। तो अब हमें क्या करना है कि ये मैंने लिए हैं 2 eggs, ये 2 eggs ले लिए हैं और इसे हमें बीट कर लेना है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ करीब 2 pinch नमक। तो इसमें मैं सिर्फ 2 pinch ही नमक ऐड कर रही हूँ और eggs को जो है ना बीट कर लेंगे। और आप चाहें कि इसमें 1 से 2 teaspoon पानी भी ऐड कर सकते हैं।
तो ये देखिए मैंने एग्स को जो है ना बहुत अच्छे से बीट कर लिया है, और अब जो कटलेट है ना उसे फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए कटलेट्स को फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने ऑयल को पहले से गर्म करने रख दिया है, और जो हमने कटलेट्स बनाए थे उसे हम इस एग में डिप करेंगे, जो एग बीट करके रखा था उसमें इसे अच्छे से डिप करेंगे इस तरह से, और फिर उसके बाद इसे हम फ्राई करेंगे। ये देखिए ये अच्छे से डिप हो चुका है, और अभी इसे हम फ्राई करेंगे इस तरह से। इसी तरह से कितने भी कटलेट्स हैं उसे हम फ्राई कर लेंगे, बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। जब कटलेट्स एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो इसकी साइड को चेंज कर लेंगे, और इस तरह से ऑयल को ऊपर कर दें, देखिए इस तरह से। तो ये देखिए कटलेट्स जो ना एक साइड से फ्राई हो चुके हैं, इसका कलर चेंज होने लगा है, अब इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, देखिए और कितना अच्छा कलर आया है। तो ये देखिए कटलेट्स जो है ना फ्राई हो चुके हैं, आप देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं, और इसको बहुत ही अच्छा कलर आया है, और ये कटलेट्स जो है ना बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आप लोग अपने किचन में इसे ज़रूर बनाएं, और आपको मैं पास से दिखाती हूँ कि कितने अच्छे दिख रहे हैं, ये देखिए। और इसे बहुत ज़्यादा तेज फ्लेम पर नहीं सेकना है, इसे स्लो फ्लेम पर ही सेकें जिससे ये अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए। ये देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं ये कटलेट्स, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। और अब इसे मैं सर्विंग डिश में निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए बोरी चिकन कटलेट्स बनके तैयार हैं, और आप देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं, और ये काफ़ी टेस्टी भी होते हैं। तो जल्दी जल्दी से इस रेसिपी को आप लोग ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। और देखते रहे मेरे चैनल को इसी तरह की टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ के लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में मेरे वीडियोज़ को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, इन्जॉय करें। बोरी चिकन कटलेट्स विद शिबाज़ किचन, थैंक यू।